जरूरी आज के दिन का पहला, और यहां से वो एक बहुत बड़ी फाउंडेशन जरूर से ला सकते हैं। सोल की बात करें, फाइट्स देने के लिए वो गए हैं। देखना ये कि इस प्रकार से गुजरात टाइगर्स अब रिटेलिएट करते हुए नजर आएगी। गुजरात टाइगर्स के लिए ये एक मस्ट विन फाइट है। ओआर के सीक्रेट की बात करें, वो प्ले जोन से डाउन होते हुए नजर आएंगे। गॉब्लिन, वो ग्रेनेड उन्होंने कुक करके थ्रो किया जरूर। प्रिंस की बात करें, 1v1 की वो बैटल रहेगी। गॉब्लिन वो ओपनिंग नॉक निकालेंगे। गुजरात टाइगर्स एक बार फिर से बहुत ज्यादा मुश्किलों में, लेकिन ये बेहतर ग्रेनेड जो एगी की तरफ से जाएगा। ओमेगा को टेक डाउन किया गया, बट एगी वो भी थोड़ा ओपन में थे जरूर। गॉब्लिन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। एक बार फिर से वो जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इवन स्टीवन होती हुई, बट एमजे को अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। नियो, उन्होंने कैसे नहीं देखा कि वो खिलाड़ी ऊपर मौजूद था। अक्षत वो आए तो सही, नियो उनको भी यहाँ पर डैमेज पड़ चुका है। जैक्सन वो आसानी से नियो को डाउन कर सकते थे, वो रीलोड आया अच्छे समय पर, उन्होंने खुद को कवर में डाला। नियो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मौजूद थी तो सही, पर जैक्सन उन्होंने मना किया, नियो को डाउन किया गया। के गलती से उन्होंने कुछ सीखा है। अगर मैं ग्लिचेक्स रिबॉर्न की बात करूं, अब देखिए उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को बहुत दूर दराज इलाकों पे छोड़ के रखा कि इन केस अगर उनके खिलाड़ी समाप्त होते तो कोई एक तो होगा जो कमान संभाल सकता है, और वो जो प्लेसमेंट पॉइंट्स है वो उनकी टीम को दिलाकर जाएगा। उनको मात्र प्लेसमेंट पॉइंट की जरूरत होने वाली है। पर ये क्या शॉट दलजीत, ऐसे ही उनको द स्नाइपर किंग नहीं कहा जाता, और वो मेरा मार का ही मैच था। पड़ता नहीं है कि मुकाबले उनके अच्छे जा रहे हैं या खराब जा रहे हैं, पर टीम गॉड लाइक, उन्हें हर हाल में अपने जो मैचेस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे करने की जरूरत। जी हाँ, जेली को क्या वो रिवाइव देने के लिए जाएंगे, देखने वाली बात रहने वाली है। जी गॉड वो एक ग्रेनेड अपने हाथ में लेकर के बैठे, लेकिन ये ग्रेनेड रिटेलिएशन का काफी बेहतर डैमेज देकर के जरूर जाने वाला है। पीछे एक खिलाड़ी को नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे जॉनसन भी, बट बैक टू बैक वो ग्रेनेड स्पैम होंगे, और अब जॉनसन वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी। क्लोजिंग करने की कोशिश वो कर जरूर रहे हैं, एक 1v2 उनको यहाँ पे जीतना पड़ेगा। एक ग्रेनेड जॉनथन के हाथ, ये फाइट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर यहाँ पे गॉडलाइक एलिमिनेट होती है, मात्र एक प्लेसमेंट के अंक जो वो लेकर के जाने वाले हैं। दो फर्स्ट एड जॉनथन के पास मौजूद, बट अभी भी सर्कल उससे थोड़ी दूरी उनको वो तय करनी पड़ेगी। दूसरी तरह आएंगे, बट एम गॉड वो आगे आएंगे, जॉनथन को स्पॉट किया और उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। टीम गॉडलाइक, उन्हें बहुत ज्यादा अंकों की जरूरत है। हालांकि फिनिशेस उसकी संख्या उतनी ज्यादा रहेगी नहीं, बट ग्लिचेक्स रिबॉर्न उनको पता है कि फिनिशेस के साथ अब वो चिकन डिनर उनको निकालना है, और उस राह पे वो आगे बढ़ते हुए नजर भी आएंगे, बट स्किलफुल वो वहां पर दिक्कतें पहुंचाते हुए नजर आएंगे। लिंच की बात करें, आप बात करें आरबी के लिंच, वो वापस से शाइन कर सकते हैं और वो करते हुए नजर भी आए। एक नॉक उन्होंने निकाला है केले पड़ते हुए। स्कल थोड़ा डैमेज उनको भी पड़ा है, एफएस की स्क्वाड पहला में बैच के लिए बढ़िया रहा नहीं, पर स्कल खुद के ही ग्रेनेड से खुद को वो नॉक कर बैठे। ड्यूक इस बार उनकी वापसी हुई है, एरंगल का वो मैच था जिसमें हमने स्कूबा को खेलते हुए देखा था। जाएगा जेडी गेमिंग, वो भी नॉक किए गए। क्लाउन इसी के साथ उनका समापन। रिवाइवल तो अलाउ करेंगे नहीं ओआरबी के खिलाड़ी, और वो भी उस डिप के अंदर। और चलिए इसी के साथ वो जो एलिमिनेशन है वो भी हमें 4 AM का देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट एक खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करेंगे करण, देखना ये कि कितनी देर तक वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर आ चुका है, बट NON वो भी काफी बेहतर खेलते हुए नजर आए अभी तक। एक खिलाड़ी बचे हुए हैं, मॉक की बात करें वो आगे काफी बेहतर खेलते हुए नजर भी आएंगे, और अभी के लिए यहाँ पे लग रहा है NON वो भी सरवाइव कर नहीं पाएंगे यहाँ से। पर यहाँ आप देखिए मॉक उन्होंने डाउन किया नॉइजी को, और वो खिलाड़ी वहां से निकलने की कोशिश कर तो रहा था, पर देखना ये विकी क्या वो ग्रेनेड ठिकाने पर डाल पाएंगे। नेगी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, निकाल सकते हैं और कुछ भी उनके खाते में जा सकते हैं। अच्छी चीज ये भी है कि उनके पास सर्कल है और उनके जस्ट सामने लेंच वो देखने को मिल जाएंगे। मॉक ने अभी तक अपनी पोजीशन दी थी, बट लेंच वो जस्ट यहीं पर मौजूद है। फाइनली उन्होंने उनको देख लिया, बट मॉक वो एक देखना ये है A2K क्या वो चिकन निकाल सकते हैं। हालांकि अभी भी ORB उनके पास जोन एडवांटेज बहुत ज्यादा है, उन्हें ऊपर जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। स्कल उनको भी डाउन किया गया, लेंच वो रीलोड आया, और वो व्हीकल जो गाड़ी थी, खैर इसी के साथ देखते ही देखते कुछ और बोले।